आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस यानी इलेक्ट्रो स्टेट्स। सबसे पहले चार्जेस। चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस आर इज क्वांटाइज्ड यानी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, यानी फ्रैक्शनल में चार्जेस नहीं होते और डेसिमल में नहीं होते। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और यूनिट कूलम्स, डायमेंशन 80 और ये डब्बा। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस। इसमें तीन मेथड है, इंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कॉन्टैक्ट। सबसे पहले फ्रिक्शन। अगर अपन दो बॉडी को एक साथ रफ करते हैं या फ्रिक्शन से रफ करते हैं तो ए वाले का इलेक्ट्रॉन बी वाले में ट्रांसफर हो जाता है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और q इक्वल टू पॉजिटिव n। मतलब इसको अपन चार्ज a माने q a, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, q b इक्वल टू माइनस n ए। उसके बाद मास ऑफ a डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो इसका मास थोड़ा डिक्रीज होगा और इसका इंक्रीज होगा। उसके बाद इंडक्शन। इंडक्शन में अपन किसी भी बॉडी के पास, मतलब मान लो प्लस क्यू चार्ज लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा चार्जेस को। पॉजिटिव लेके जाएंगे तो उसकी तरफ नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव लेके जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मेक करेगा। इसको पोलराइजेशन कहते हैं। वी यूज़ अर्थिंग। उसके बाद अर्थिंग करेंगे। जैसे अर्थिंग करेंगे तो यहाँ पे मान लो जैसे पॉजिटिव लेके गए अपन चार्ज तो यहाँ पे पूरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से अर्थिंग में जीरो हो जाएगा और नेगेटिव लेके जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और इसका टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट। किसी भी दो बॉडी को कॉन्टैक्ट करते हैं तो कॉन्टैक्ट के बाद दोनों पे चार्जेस सेम होते हैं। किसी भी सेम मतलब क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू ऑन ईच। यहाँ पे भी क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू और क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। उसके बाद अपन आते हैं कूलम्स लॉ। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। प्लस क्यू अपॉन आर। ए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। और अगर अपन दोनों को एक साथ लिखे तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें के की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्स इनवर्स टू के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी होता है और एप्सिलॉन नॉट 8.85×10⁻¹². ये इसकी वैल्यू होती है और ये वैक्यूम के लिए है। उसके बाद के होता है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉरी यहाँ पे एप्साइल है और इसके अपॉन एप्साइल नोट है। के ऑफ कंडक्टर इन्फाइनाइट होता है और के ऑफ वाटर 80 होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्स पॉजिटिव मतलब रिपल्शन, नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन। फिफ्थ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सिक्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग। यहाँ पे जैसे लाइन जॉइन के ऊपर ही फोर्स लगता है। सेवन्थ एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है। फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट बाई के होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ पे आते हैं अपन। तो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है ये k1 q2 r2। इसमें नल पॉइंट, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज तो बीच में कहीं नल पॉइंट होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी बीच में ही होगा नल पॉइंट। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो बीच में नल पॉइंट नहीं होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। अब नल पॉइंट एनालिसिस पे आते हैं। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो नल पॉइंट बीच में होगा किसी डिस्टेंस एक्स मानते हैं अपन और टोटल डिस्टेंस है डी। यहाँ पर अपन यू भी कर सकते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ़ चार्जेस ऑफ सेम साइन नल पॉइंट बिटवीन चार्ज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है अपन अंडर रूट एन प्लस वन। एन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। एन जो भी चार्जेस का ये एन है, सेम मतलब
या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर इफ चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन नल पॉइंट आउटसाइड लाइन जॉइनिंग एक्स इक्वल टू डी अपॉन एन माइनस वन, अगर दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे तो यहाँ पर खाली माइनस आ जाएगा और कंडीशन एन इक्वल टू वन से बड़ा होना चाहिए। रिमेंबर नल पॉइंट ऑफ ऑलवेज इज क्लोजर टू स्मॉल चार्ज, यह नल पॉइंट हमेशा स्मॉल चार्ज के पास ही होगा, यह आप ध्यान रखना। उसके बाद फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस एंड रोड, अगर कोई भी एक रोड है एल लेंथ की उसके ऊपर चार्ज क्यू है तो किसी डिस्टेंस डी पर अपन क्यू चार्ज रखते हैं, ये क्यू अलग है और ये क्यू अलग है, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के ये वाला क्यू इंटू ये वाला क्यू अपॉन डी प्लस एल, ये पूरी डिस्टेंस, ये डी हो जाएगा तो डी प्लस एल। उसके बाद फोर्स बिटवीन रिंग एंड पॉइंट चार्जेस, अगर रिंग का फोर्स लिखेंगे तो जैसे ये रिंग है यहाँ पे इसके सेंटर है, इससे यहाँ पे डिस्टेंस आर और किसी पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर, अगर यहाँ से अपन इसका अच्छे फोर्स लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होगा के क्यू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहाँ पे ये चार्ज क्यू इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक्स वे बहुत कम हो जाएगा, तो उसके बाद एफ इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यूब, क्योंकि एक्स स्मॉल हो जाएगा तो एक्स को अपन नेगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है के क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यूब और टाइम होता है 2π/T, ओमेगा होता है 2π/T इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है तो ये अंडर रूट लग जाएगा के क्यू क्यू बाई एम अपॉन आर क्यूब। और फोर्स इज मैक्स एट प्लस माइनस आर बाई टू, अगर किसी रिंग का है तो उसका फोर्स मैक्सिमम या तो माइनस आर बाई टू पे होगा या प्लस आर बाई टू पे होगा। सेम कंसेप्ट फॉर एफ इक्वल टू एक्स फॉर एफ टू बी मैक्स। उसके बाद अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एग्जर्ट फोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इमेजरी लाइन टेंजेंट टू विच इज गेट डायरेक्शन फॉर फोर्स, ये एक इमेजरी लाइन होती है टेंजेंट से एक फोर्स, ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती है टेंजेंट टू विच गेट डायरेक्शन टू फोर्स, कंटिन्यूस होती है और डिफ्रेंशिएबल होती है। ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में घुसती है। डजेंट फॉर्म क्लोज लूप, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, कैन नेवर इंटरसेक्ट और ना कभी इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के बाद उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जो चार्ज होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर हमेशा जीरो होगा और वो कंडक्टर आइसोलेटेड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, यानी कोई भी एक कंडक्टर है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये परपेंडिकुलर होगी, ऐसे सब इधर से भी हो परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, तो पैटर्न में अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बनेगी, और दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर से नीचे से, ऐसे नेगेटिव में जा रही है और पॉजिटिव से निकल रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सप्लेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ई इक्वल टू एफ बाई क्यू यूनिट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज के लिए, उसके लिए एफ बाई क्यू होती है, यूनिट इसकी होगी एन बाई सी यानी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बाई कूलम, डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस 3A इनवर्स का डब्बा, डब्बा बनाना बहुत ज़रूरी है बाकी मार्क्स काट लेंगे टीचर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, अगर पॉजिटिव हुआ चार्ज तो पैरेलल होगी
और नेगेटिव हुआ तो एंटी पोलर हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अपने को डायरेक्शन शो करते हैं। चार्जेस इन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका एक्सीलरेशन होगा क्यू ई बाय एम। अगर किसी ये पेंडुलम है मास एम का प्लस क्यू, एक्सीलरेशन नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे तो एक्सीलरेशन नीचे, तो इसका टाइम पीरियड होगा टू पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम। और मान लो चार्ज नेगेटिव हुआ तो एक्सीलरेशन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये भी एक कंडीशन है, इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक एल लेंथ की रॉड है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करेंगे लेमडा से, लेमडा इक्वल टू क्यू चार्ज अपॉन लेंथ। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी सरफेस की, तो यहाँ पे एरिया होगा इसका, इस चीज़ का एरिया होगा, इस पे चार्ज क्यू है और एरिया ए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम होगा, चार्ज क्यू होगा और वॉल्यूम वी होगा, तो रो इसको अपन डिनोट करते हैं रो से, इक्वल टू क्यू अपॉन वी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कैलकुलेशन, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज ये तो आपको पता ही है, एक पॉइंट चार्ज है और चार्ज क्यू है, तो पॉइंट चार्ज से के क्यू बाई आर स्क्वायर, और नेगेटिव के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और इसका ग्राफ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन आर स्क्वायर के। उसके बाद रोड, रोड का अभी बताया था, एक रोड है डिस्टेंस डी पे, पॉइंट चार्ज है क्यू, डिस्टेंस हो जाएगा तो के क्यू बाई डी इंटू डी प्लस एल, नेगेटिव होगा तो भी वही होगा पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। और रिंग का आपको अभी पढ़ा ही है कि इसका फोर्स यहाँ से रेडियस आर डिस्टेंस एक्स पे क्या होता है के क्यू बाई एक्स, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और माइनस आर बाई टू और प्लस आर बाई टू पे ये मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। उसके बाद अपन आते हैं एंगुलर आर्क, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पे, तो जैसे इस ये वाला है तो ये होगा लेमडा, इसको लेमडा जरूर होते रेडियस आर होगी और थीटा फाई होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इसकी टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू ऑन एंगल बाई सेक्टर, मतलब एंगल बाई सेक्टर ये थीटा यहाँ से ये वाला, इसको फाई भी बोल सकते हैं, थीटा या फाई दोनों एक ही बात है। और लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और फाई या थीटा इक्वल टू होता है टोटल एंगल। अपन कुछ डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सेमी सर्कल का होगा लेमडा इक्वल टू क्यू बाई पाई आर, क्योंकि इसमें फाई होता है पाई मतलब 180 डिग्री। ऐसे ही क्वार्टर रिंग का होगा लेमडा इक्वल टू टू क्यू बाई पाई आर, क्योंकि इसमें पाई फाई होता है पाई बाई टू। उसके बाद आते हैं अपन किसी सेकंड एप्लीकेशन पे, किसी भी पॉजिटिव इन्फाइनाइट चार्ज थ्रेड है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, एक तो पैरेलल और एक होगी परपेंडिकुलर। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होगा ई अप ई पैरेलल इक्वल टू मोड ऑफ के लैम्डा बाई आर कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन का मोड, ये आर होगा यहाँ से ही आपकी डिस्टेंस। उसके बाद ई परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। अगर इसमें भी दो केस है, एक तो इन्फिनिटी हुआ वायर यानी इन्फिनिटी है तो थीटा वन और थीटा टू दोनों 90 हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा टू के लेमडा बाई आर, क्योंकि साइन 90 और साइन 91 वन प्लस वन टू, टू के लेमडा बाई आर। और केस टू सेमी इन्फाइनाइट यानी एक तो इन्फाइनाइट होगा और एक थीटा कोई भी जीरो होगा, तो उसका हो जाएगा के लेमडा बाई आर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू डिस्टेंस वेयर इफेक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड।
यानी दो बहुत कम डिस्टेंस पर चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, उसका फॉर्मूला होता है पी, डाइपोल को डिनोट करते हैं पी, उसके ऊपर वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन टू है मान के चलते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी इक्वल टू सिग्मा चार्ज विद साइड इंटू पोजिशन वेक्टर, सिग्मा मतलब टोटल चार्ज, समीशन टोटल चार्ज समीशन, मोनोपोल मस्ट बी जीरो, डाइपोल का मोनोपोल मस्ट बी जीरो होगा, रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनीवेयर, इसका रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, और मोनोपोल और डाइपोल, मोनोपोल का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1/r², डाइपोल का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल होगी 1/r³ के, क्वाड्रापोल में r⁴ के, ऑक्टापोल में r⁵। डाइपोल मूवमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट कूलाम मीटर, डायमेंशन LAT और ये डब्बा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बीच में डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये होती है एक्सियल लाइन और ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अगर एक्सियल है तो 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे है तो kp/r³, E इक्वल टू kp/r³ √3cos²θ+1 tan α = 1/2 tan θ, अल्फा ये होगा एंगल, थीटा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। उसके बाद आते हैं डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, तो डाइपोल किसी थीटा एंगल पे पी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, तो एफ नेट तो ऑलवेज जीरो ही होगा, टॉर्क ताऊ इक्वल टू पी क्रॉस ई होगा, ताऊ मैक्स पी प्लस माइनस पी ई, यानी पी ई साइन थीटा, थीटा अगर 90 होगा तो ताऊ मैक्स होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, ताऊ मिनिमम होगा 0 डिग्री पे, साइन थीटा 0 यानी 0, पैरेलल और एंटी पैरेलल, अगर ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो ताऊ मिनिमम होगा, वर्क डन इन रोटेशन पी इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यानी पी ई कॉस थीटा, वर्क डन का क्या होगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो थीटा इक्वल टू पाई, टाइम पीरियड होता है 2π√i/PE। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट ऐसे करते हैं इक्वल टू होता है E.A, अगर थीटा फ्लक्स मैक्सिमम सी तो प्लस माइनस E.A, तो थीटा 0 होगा या पाई होगा, तो इनकमिंग फ्लक्स को अपन नेगेटिव मानते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव मानते हैं, मिनिमम के लिए थीटा इक्वल टू π/2, एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पैरेलल टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू शीट, एरिया वेक्टर, अगर कुछ भी सरफेस है उसका परपेंडिकुलर से होगा तो ये एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर सरफेस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, यानी कुछ भी इसके अंदर पड़ा है तो इससे जो भी प्रोजेक्शन होगा उसको अपन फ्लक्स बोलेंगे। प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल ये होता है जैसे आपने यहाँ से टॉर्च डाली किसी सरफेस पर, तो टॉर्च का जैसे सर्कल बना तो फ्लक्स हो जाएगा प्लस माइनस ई नॉट एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इसको अपन सर्कल दिख रहा है तो π r² बोलेंगे, और ट्राइंगल के इस साइड से अपन लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पर अपन लाइट समझ के इसको समझ सकते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डालेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल का एरिया दिखेगा, तो फ्लक्स हो जाएगा प्लस माइनस ई नॉट 1/2 इंटू 2 r इंटू h, 2 r इसलिए क्योंकि इसकी एक तो r होती है, पूरी डिस्टेंस इसकी 2 r होती है यानी डायमीटर, और प्लस माइनस इसलिए इनवर्ड का माइनस और आउटवर्ड का प्लस, टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा किसी भी एरिया सरफेस का। अब आते हैं गॉस लॉ पर, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज इन इट, फ्लक्स इक्वल टू होता है 5E.dA इक्वल टू क्यू इन एनक्लोज अपॉन ε0, क्यू एनक्लोज मतलब इनक्लोज चार्ज, और ई होता है यहाँ पे ड्यू टू ऑल चार्जेस, और फ्लक्स भी होता है ड्यू टू इनसाइड चार्जेस,
वी नीड गॉसियन सरफेस पास थ्रू पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शुडंट बी प्रेजेंट ऑन इट इट कैन बी रेगुलर और इरेगुलर शेप इट इज इमेजनरी सरफेस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज और गॉसियन सरफेस फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है शेप साइज और गॉसियन सरफेस का फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज इन गॉसियन सरफेस फ्लक्स इंडिपेंडेंट भी होते हैं लोकेशन ऑफ चार्ज इन गॉसियन सरफेस जैसे कोई भी ये सरफेस है रेंडम सरफेस प्लस क्यू है और अपन को एक गॉसियन सरफेस मानना है यहाँ पर जैसे अपन ने सर्कल टाइप में मान लिए तो अंदर अंदर का होगा एस वन बाहर का एस टू तो क्यू एस वन इक्वल टू क्यू एस टू अंदर और बाहर सेम होगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जैसे इसका ये रेंडम सरफेस है प्लस क्यू तो बाहर और यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और अंदर आएगी जो और बाहर निकलेगी वो इक्वल हो जाएगी तो क्यू टी टोटल ज़ीरो हो जाएगा फ्लक्स टोटल ज़ीरो हो जाएगा। अब अपन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कुछ एप्लीकेशन यानी एग्जांपल है जैसे एक क्यूब है उसके बीच में एक चार्ज क्यू रखा है तो उसका फ्लक्स हो जाएगा ई बाई एप्सिलॉन नॉट और किसी डिस्टेंस ए बाई टू मतलब सेंटर से डिस्टेंस ए बाई टू पे होगा तो एक इधर एक ऊपर एक नीचे इसे मिला के छः होंगे तो क्यूब बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन किसी कॉर्नर पे रखते हैं चार्ज को डिस्टेंस ए पे यानी सेंटर में तो इसके यहाँ पे एक होगा एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा ऐसे ही चार ऊपर होंगे तो इसका हो जाएगा क्यूब बाई टेप्स 24 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इस कॉर्नर पे रखेंगे तो क्यूब बाई एट क्योंकि एक ऊपर होगा एक इसके पीछे होगा एक उसके ऊपर होगा ये सब मिल के चार होंगे तो उस चार कॉर्नर से ये टच होगा तो इसका क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट चार नीचे होगा और चार ऊपर होगा इसलिए क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन किसी फेस पे रखते हैं तो एक और इसके एक क्यूब इसके ऊपर होगा तो क्यूब बाई टू एप्सिलॉन नॉट। किसी कॉर्नर के बीच में रखते हैं तो ये चार क्यूब से कनेक्ट होता है तो क्यूब बाई सिक्स फोर एप्सिलॉन नॉट। ऐसे हम स्पेयर को हाफ काटने के बाद हाफ क्यूब बाई टू रखते हैं तो क्यूब बाई टू एप्सिलॉन नॉट और ये ट्रायंगल है तो क्यूब बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ट्रायंगल मतलब पिरामिड सिक्स ट्रायंगल से एक दो तीन ऊपर और तीन नीचे तो क्यूब बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर एक वायर है तो अपन गॉसियन सरफेस मानेंगे सिलेंड्रिकल शेप का इस dA एरिया मानेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू है तो 2k लैम्डा बाई आर होगा इसका और इसका ग्राफ होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिक्रीज करेगा। उसके बाद एक स्पेयर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है पॉजिटिव चार्ज तो इसके डिस्टेंस अंदर वाले डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस मतलब यहाँ से ये पूरा सरफेस पे आ रहा है और अंदर एक डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो अंदर स्मॉल आर से हो जाएगा इक्वल टू के क्यू आर बाय आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस सरफेस पे यानी आर इक्वल टू आर यानी सरफेस पे होगा इक्वल टू के क्यू बाय आर कैपिटल आर स्क्वायर और आर से किसी पॉइंट बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर किसी पॉइंट बाहर। इसका ग्राफ होता है पहले तो अंदर इंक्रीज करेगा फिर बाद में डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग स्पेयर यानी अंदर होलो है बस खाली एक जैसे गोलगप्पा आप मान सकते हो अंदर से होलो और बाहर से एक शेल है पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर वाला तो ज़ीरो होगा क्योंकि अंदर होलो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर जो भी स्मॉल आर बार डिस्टेंस पे होगी और सरफेस पे होगी तो यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर सरफेस वाली। इसमें अंदर तो ग्राफ के अंदर तो ज़ीरो होता है क्योंकि होलो होता है पहले ज़ीरो होता है फिर एकदम से इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं चैप्टर के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट है पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा सिग्मा इक्वल टू क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर पॉजिटिव हुआ तो एप्सिलॉन नॉट बाय टू सॉरी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इस तरफ और सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इस तरफ।
आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव हुआ तो होगा तो वही पर अंदर की तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होगी आर से। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, थिक शीट होगा तो चार्ज पॉजिटिव 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 दोनों पॉजिटिव होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और बाहर की तरफ होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर नेगेटिव होंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी खाली। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है पॉजिटिव चार्ज का तो अंदर आर लेस देन आर, यानी इसकी जो सरफेस की आर से लेस देन आर होगी अंदर वाली, उसका होगा ए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और आर इक्वल टू आर पे होगी रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, पर इसमें आर बार वाली होगी, और आर ग्रेटर देन आर किसी डिस्टेंस आर से ग्रेटर देन आर पे होगी ई इक्वल टू रो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अब टू एप्सिलॉन नॉट बाय आर। इसका ग्राफ होता है लीनियरली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा थोड़ी देर बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिक्रीज करने लग जाएगा। व्हेन टू सीट आर पेस क्लोजर, ये लास्ट है। अगर दो प्लेन सीट है, दो सीट्स प्लेस करिए पास पास पे, तो ये चार्ज डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिक। बाहर की तरफ का क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, एक चार एक सीट क्यू वन है एक सीट क्यू टू है, तो क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, इसी तरह इस तरफ भी क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, और बीच में एक तरफ हो जाएगा प्लस और एक तरफ होगा माइनस, मतलब प्लस वाले में होगा क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू ही होगा, और माइनस वाले में माइनस यहाँ पे लगेगा क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू। जैसे फॉर एन सीट क्यू आउटर इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई टू, यानी टोटल समीशन ऑफ चार्जेस। तो आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।